मिशन 2019 के लिए तमाम पार्टियां अपने तरीके से अलग अलग प्रयासों के जरिए पूरे जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र भी पब्लिक के सामने रखी हैं। जनता के सामने उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में तमाम तरह के लोक लुभावन वादों को किया है। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, इसे मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, कि 2019 की जीत हासिल करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम और योजना की घोषणा की है। उन्होंने ये बताया है कि 2019 में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो गरीबों के बैंक खाते में हर साल 72,000 रुपये सीधे तौर पर दिया जाएगा, और इस स्कीम का नाम उन्होंने दिया है न्यूनतम इनकम स्कीम। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी पेशा नहीं है, जिसकी इनकम कोई नहीं है, तो उसे कम से कम 72,000 रुपये ईयरली यानी एक साल में उसे 72,000 रुपये सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र करके उसकी मदद की जाएगी, ताकि जो गरीबी है उसे मिटाने में मदद मिल सके। इसका तर्क उन्होंने ये दिया है कि अगर जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार ने अगर अमीरों को कई 100 करोड़ रुपए दे करके उनको इस देश से भगाने का काम करते हैं, तो हम गरीबों को क्यों नहीं चंद रुपए दे करके उनकी गरीबी को दूर करने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम के तहत लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर जो लाभ मिलेगा, और एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि इस स्कीम को उन्होंने दिया न्याय योजना इन द सेंस कि जो गरीब हैं, अभी तक उनका आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अभी तक वो गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। इस स्कीम को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को निर्धारित किए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसके तहत बड़े आसानी से आपको समझा जा सकता है, जिसमें हम देखें तो सबसे पहला इसको समझने के लिए सबसे पहली स्कीम है देश के गरीबों को हर साल 72,000 रुपये मिलेंगे। नंबर दूसरा है देश में 20% लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत देश के 5 करोड़ परिवार यानी करीब 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। स्कीम का नाम न्याय योजना दिया गया है। आपको अगर सर्च करना है, गूगल से आप ढूंढना चाहते हैं या फिर आप किसी से पूछना चाहते हैं, तो इसका नाम न्याय योजना है और आप इसी नाम के तहत इसको ढूंढ सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। इस स्कीम का मकसद हर व्यक्ति की आय लगभग 12,000 रुपये प्रति महीने तक करना है, और इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की आय 8,000 रुपये महीना है तो उसे सरकार की ओर से 4,000 रुपये प्रति महीना दिया गया है। यानी अगर आपकी जो मासिक आय है वो मान लीजिए 6,000 रुपये है, तो सरकार आपको 6,000 रुपये और देगी, यानी कम से कम 12,000 रुपये प्रति माह आपकी इनकम करना है। इस तरीके से 12 × 12 1.44 लाख रुपीस आपको कम से कम सरकार की इनकम योजना के तहत मिलना चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति 2,000 रुपये कमाता है तो उसे सरकार की ओर से 10,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। राहुल गांधी इस स्कीम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए 72,000 रुपये रिजर्व किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि जिस तरह उन्होंने मनरेगा के जरिए गरीबों को काम दिया है, उसी तरह से ये मनरेगा का एक अगला स्टेप है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में देश में गरीबी नहीं रह सकती, हमारी तरफ से ये गरीबी पर आखिरी वार है, और अगर हमारी सरकार यानी यूपीए की सरकार केंद्र में आती है तो हम गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत कम से कम 72,000 रुपये का सीधे लाभ देंगे। हालांकि सवाल यह है कि क्या इस योजना को लागू करने के लिए इतना बड़ा बजट सरकार के पास आ पाएगा। एक अनुमान की माने तो इतनी बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए करीब 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी तमाम तरह के खर्च आते हैं जिनकी राशि लाख और करोड़ में नहीं बल्कि कई 100 करोड़ में हो सकती है। तो देखना यह है कि पहली बात तो यह है कि 2019 में जनता विजय पताका किसके हाथ में देती है, सबसे पहली तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर सरकार यूपीए की बन जाती है तो इस स्कीम को कैसे लॉन्च किया जाएगा, ये अगला स्टेप होगा।